बस पूरा लिखवाया है कि क्या पढ़ना है आपको एनडीए एग्जाम के लिए, वो सिलेबस मैंने लिखवाया है। तो जिनकी भी पहली क्लास है वो तो कॉपी लेकर के सिलेबस आप लिख लेना। और उसमें पहला चैप्टर मैंने जैसे मैटर एंड देयर स्टेट्स और एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये वाला चैप्टर है, वही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। और पिछले क्लास में परसों मैंने जो बताया था आपको, कितने स्टेट्स बताए थे मैटर के, 500 बता दिए थे, प्लाज्मा से बताना है 3 बताए थे ना, तो सॉलिड लिक्विड और गैस, ये 3 मैंने बता दिए थे। ठीक है, अभी जैसे है तो 5 स्टेट्स, कहीं कहीं 6 स्टेट्स में मिल जाएगा मैटर का। ठीक है, जैसे आपको जो चौथे वाले जो स्टेट्स है, फोर्थ वाले स्टेट्स ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। प्लाज्मा स्टेट का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस का, पदार्थ का वैसा स्टेट्स जिसका टेम्परेचर वेरी हाई हो एंड इट इज द गैसियस, मतलब वेरी हॉट गैसियस एंड मोल्टन स्टेट, यानी गैस के रूप में रहेगा, या मान लो पिघली हुई एकदम है, जैसे मान लो लावा एंड मैग्मा अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी धरती के अंदर में जो लावा एंड मैग्मा है वो आपका हो गया। ये आयोनिक स्टेट भी कहलाता है, आयोनिक यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन भी इसमें पाया जाता है। क्लियर है, और इसी स्टेट का एनर्जी लेवल आपको सबसे हाई है, सबसे ज्यादा, जैसे सबसे कम एनर्जी लेवल मैंने बताया था सॉलिड स्टेट का होता है, सॉलिड स्टेट का सबसे कम एनर्जी है और प्लाज्मा स्टेट का सबसे ज्यादा एनर्जी है। जैसे सन है मान लो, या जितने भी स्टार, ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, यानी सूर्य जो आपका है, सन और सारे जो स्टार है तारे, वो भी कौन सा स्टेट का एग्जाम्पल है, प्लाज्मा स्टेट का। क्लियर हुआ, प्लाज्मा स्टेट। तो चौथे वाले स्टेट्स का नाम आप लिख लेना, ये फोर्थ स्टेट है आपका, प्लाज्मा स्टेट। ऑनलाइन में अगर मान लीजिए, ऑनलाइन में कोई भी होंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने परसों जैसे एक क्लास लिया था, केमिस्ट्री स्टार्ट किया था एनडीए के लिए, और फर्स्ट वाला चैप्टर मैंने मैटर एंड देयर स्टेट्स, 3 स्टेट्स तक मैंने समझाया था, मैटर या सब्सटेंस क्या होता है ये समझाया था। और आज आपको डेट्स आपको सबको पता होगा, 21 हो गया आपका सेप्टेम्बर। ठीक है, तो आज मैंने उसी चैप्टर को आगे स्टार्ट किया है, और चौथा वाला स्टेट का नाम है, फोर्थ वाला स्टेट का प्लाज्मा स्टेट, या इसको प्लाज्मा स्टेट को आयोनिक स्टेट भी लिख सकते हैं, आयोनिक स्टेट। और इसमें लिखिएगा दिस स्टेट्स ऑफ मैटर has very high temperature, has very high temperature, and this is very hot gaseous or molten state, this is very hot gaseous or molten state. Energy level of this state is, energy level of this state is maximum, as for example लिख लीजिएगा, एक तो हो गया आपका लावा एंड मैग्मा, ये example लिख पा रहे हैं, लावा एंड मैग्मा अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ, लावा एंड मैग्मा अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, हमारे बॉडी में प्लाज्मा जो ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में
आपको पढ़ाएंगे, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है ना उसका नाम है प्लाज्मा। और ये आपको धरती के अंदर जो लाभ, जैसे ज्वालामुखी फटती है ना, तो ज्वालामुखी फटती है तो आपको जो लावा और मैग्मा निकलता है ना वो आपका वो वाला बता रहे, ठीक है, वही वही प्लाज्मा स्टेट। और पांचवा स्टेट देखिए, फिफ्थ स्टेट पांचवा, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। ये पांचवा स्टेट जो है इसका नाम है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां पे लिख रहे हैं देखिए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे इंडिया के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दो वैज्ञानिक के नाम पर इस स्टेट का नाम रखा गया। इसमें किया क्या गया, जैसे मान लो कोई गैस है, अगर गैस को मान लो ठंडा करेंगे क्या बन जाएगा, वो गैस को ठंडा करेंगे कंप्रेस करके ठंडा कर देंगे क्या बन जाएगा, लिक्विड बन गया। जितने भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सारे गैस में ठंडा करने पर सबसे पहले लिक्विड कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन। यस, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बन जाएगा लिक्विड ठंडा करने पर। और इसीलिए भविष्य में जितनी भी गाड़ियां आ रही है हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियां सब आ रही है, मालूम है ना, दिसंबर महीने में पहली ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस से चलेगी। अभी इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल सब आ रही है, तो पॉल्यूशन आपको ये मत समझना कि जो अभी सीएनजी गाड़ियां हैं थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है पॉल्यूशन एकदम मान लो और एकदम कम हो गया, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियां सब आ जाएंगी तब एकदम पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, बिल्कुल आपका 0% पॉल्यूशन। तो उसमें क्या क्या जाएगा, जैसे पहली दिसंबर महीने में जो पहली ट्रेन स्टार्ट होगी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली, उसमें हाइड्रोजन गैस को एज ए लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जितने भी मान लो स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान, रॉकेट जो जाते हैं सैटेलाइट लेकर के हमारा अंतरिक्ष में स्पेस में, तो उसमें आपको सबको पता है कि जो इंजन लगाया जाता है कौन सा इंजन है, उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। ये क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन गैस एज ए लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल या डीजल थोड़ी रहता है उसमें, हाइड्रोजन गैस। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%। मैंने कहा पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। सन में भी हमारा 95% कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपको समझाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन का दो आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों मिक्सअप होता है, फ्यूज करता है और हीलियम गैस बनता रहता है सन में। लेकिन है सबसे 95% लगभग आपको कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है सबसे अधिक मात्रा में। तो पूरे यूनिवर्स में अगर पूछेगा ब्रह्मांड में, सन का छोटा सा टुकड़ा अर्थ है ना, आप सब आप तो जान ही रहे हैं कि अर्थ से कितना गुना बड़ा बड़ा हमारा जो है सन है। तो आप समझिए कि सन में 95% अगर मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस आसानी से अवेलेबल है, इसीलिए आपको समझिए कि भविष्य में जो गाड़ियां सब आ रही है हाइड्रोजन गैस से चलने वाली आ रही है। तो मैंने कहा कि अगर गैस को ठंडा कर दें तो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो एकदम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, यानी -273 डिग्री सेल्सियस और जीरो केल्विन, यहां तक सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यही है ना। अभी तक जो लोएस्ट टेम्परेचर मेजरमेंट हुआ है लास्ट एकदम यही है लेबोरेटरी में, ऐसा नहीं है कि कहीं पर अर्थ में इतना माइनस में तो है ही नहीं कहीं पर,
इसको लेबोरेटरी में वैसा एनवायरनमेंट बना करके मेजरमेंट किया गया, और वेरी लो टेम्परेचर को जब मेजरमेंट किया जाता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से? ऐसे तो टेम्परेचर आप जानते हैं कि मेजरमेंट होता है किससे? थर्मोमीटर से। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछे कि लो टेम्परेचर अगर मेजर करना है, लो का मतलब देखो मरकरी थर्मोमीटर जो है, तो मरकरी को आपको इस कितना पे देखो -39 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा, तो इससे नीचे का टेम्परेचर तो मेजर होगा नहीं उससे, मरकरी वाले थर्मोमीटर से। लेकिन अगर मान लो इससे नीचे का करना है, यानी आपको देखो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -115 यहाँ बोल रहे हैं, ये वाला टेम्परेचर यहाँ तक मेजरमेंट करना, तब तो अल्कोहल थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है, इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है उसमें, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट यही है। लेकिन इससे नीचे का अगर करना है, इससे नीचे का मतलब -115 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -273 डिग्री सेल्सियस, ये यहां तक अगर मेजरमेंट करेंगे तब तो आपको क्रायोमीटर इस्तेमाल होगा, और क्रायोमीटर में आपको हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, और वेरी लो टेम्परेचर का स्टडी कहलाता है क्रायोजेनिक्स। इसी टेक्नोलॉजी पे वो इंजन बनाया जाता है जो मैंने बोला आपको, क्रायोजेनिक इंजन। जितने भी जल्दी नहीं है, हमने बोला कि सबसे पहले ठंडा करने पर कौन सा गैस लिक्विड बनेगा, वो है हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो जैसे क्रायोमीटर में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस जो है आपको समझिए कि काफी नीचे एकदम समझिए, जानते हैं -200 डिग्री सेल्सियस तक में लगभग आपको ये लिक्विड बनता है, समझ गए? तो इसलिए क्रायोमीटर में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया जाता है। वह क्लियर सर? वो कह रहा है कि जैसे हाइड्रोजन गैस तो जल्दी ठंडा होने पे लिक्विड बन जाता है। हाँ, लिक्विड बनेगा भाई, देखो तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो आपका खत्म हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही खत्म हो गया तो एनर्जी लेवल भी खत्म, और इसी स्टेट का नाम रखा गया है बोस आइंस्टीन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब क्लियर है? बोलो। मैंने कहा कि क्रायोमीटर में कौन सा क्वेश्चन आता है कि क्रायोमीटर में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और क्रायोजेनिक इंजन जो बनता है, तो क्रायोजेनिक इंजन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन गैस एज ए लिक्विड फ्यूल। वह क्लियर? और यही क्रायोजेनिक इंजन आपको लगाया जाता है जितने भी स्पेस क्राफ्ट है सभी में, उसके बिना वो ऊपर उड़ेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ये क्रायोजेनिक इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी पहले तो भारत को रशिया से मिलता था, लेकिन अब आपको इंडिया अपना बनाता है ये क्रायोजेनिक इंजन। आज से लगभग आपको 3 महीने पहले क्रायोजेनिक इंजन जो इंडिया में बना उसका टेस्ट भी किया गया, सफल परीक्षण भी हुआ, न्यूज में आया भी था कि भारत ने अपना जो क्रायोजेनिक इंजन बनाया है उसका सफल परीक्षण कर लिया, सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया। हुआ क्लियर? ये तो 5वां स्टेट जो बताएं आपको समझ में आया। और इस स्टेट में जो पार्टिकल मिला सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कौन सा स्टेट में? बोस आइंस्टीन स्टेट में। उसी पार्टिकल का नाम रखा गया है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन बोलते हैं। ये हिग्स बोसोन आपको हिग्स वैज्ञानिक उन्हीं के नाम पर आपको रखा गया, हिग्स बोसोन, या इसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, यानी वैज्ञानिकों ने ये माना कि इसी पार्टिकल से हमारी अर्थ बनी है, हमारी पृथ्वी जो बनी है, यानी हमारी अर्थ का भी सबसे छोटा पार्टिकल यही है, और इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल, भगवान का कण। गॉड पार्टिकल का मतलब क्या? भगवान का कण नाम दिया गया है। और यही स्टेट कहलाता है बोस आइंस्टीन स्टेट या फिक्स स्टेट। अब बोलो क्लियर है ये वाला सभी को एकदम? तो आप इसको लिखो, फिर स्टेट पे लिखना। सर ये मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो -200 डिग्री के नीचे ही मिलेगा। हाँ, नीचे, इसके अरे नीचे मतलब यहाँ तक चले जाना,
माइनस 273 तक जाना है, लास्ट यही है. एब्सोल्यूट नीचे अभी तक का स्टेजेस नहीं गया है, इसी को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं ना. यस सर, उसके नीचे इससे नीचे नहीं, मतलब उसके नीचे अभी तक बना ही अभी तक इंस्ट्रूमेंट ही वैसा नहीं बना. अगर इंस्ट्रूमेंट बन जाता इससे नीचे का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तब तो आपको मेजर हो जाता. अभी तक वैसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं. लिखे इसमें लिखना है फिफ्थ स्टेप में बहुत कंडेंसेट में. When a gas is cooled down at very low temperature, very low का मतलब ये मतलब लिखना है. देखो ये -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, और इसी का एक और नाम लिख लेना. इसका एक और नाम क्या है, इस टेम्परेचर का एक और नाम बता दो. नहीं, इसी का ये -273 या 0 केल्विन का एक और नाम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. Then the gas becomes frigid. The gas becomes frigid. So its energy level also becomes frigid. This state is non-H. Bose Einstein condensate. And the smallest particle of this state, is non-H. यहाँ पे लिखना है, देखिए. X boson or God particle और आगे लिखिएगा. First of all, hydrogen gas. Is converted into liquid state. After cooling, यानी ठंडा करने पर. उसके बाद लिखिए very low temperature. Very low मतलब ये वाला देख लो, ये वाला -115 से लेकर के -273 डिग्री सेल्सियस वेरी लो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ये आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख रहे हैं. देखिए मेजर्ड बाय क्रायोमीटर. और कौन सा हम सारे लिखवा देते हैं. अभी तो लिखवाए ये तो. हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट. और उसके बाद लिखना, इन ऑल द स्पेसक्राफ्ट
in all the spacecraft, cryogenic inject is used. In all the spacecraft, cryogenic engine is used. In this engine, hydrogen gas. In this engine, hydrogen gas is used as liquid fuel. In this engine, hydrogen gas is used as liquid fuel. क्लियर हुआ? ये फिफ्थ वाला स्टेट समझ में आ गया। और जैसा कि मैंने बताया आपको, एनर्जी लेवल अगर पूछे मिनिमम किसका है, तो सॉलिड स्टेट का सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किस में रहता है, तब तो प्लाज्मा स्टेट हो जाएगा। हुआ क्लियर? जैसे बॉस आइंस्टीन वाला स्टेट जो है, वो तो समझो कि आर्टिफिशियली उसको उस तरह से लेबोरेटरी में बनाया गया, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया। नेचुरली जैसे सॉलिड है ना, नेचर में जो जितना भी सॉलिड पाया जाता है, एनर्जी लेवल सबसे आपका नेचुरली है ना। वो ये तो आर्टिफिशियली बनाया गया है इस स्टेट को। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपको बता देते हैं, 2010 के आसपास एक्सपेरिमेंट हुआ था स्विट्जरलैंड में, ये वाला जो, और उसी में एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया। इसको महाप्रयोग बोलते थे। 600 वैज्ञानिक आपको पूरे वर्ल्ड के शामिल हुए थे, 200 वैज्ञानिक भारत के थे इसमें। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। ये मैंने बताया है कि मैटर क्या है, मैटर के स्टेट्स कितने हैं, ये मैंने समझाया। और उस चैप्टर में मैंने जो नाम लिखवाया था आपको, टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, मैटर एंड देयर स्टेट्स पढ़ना था, उसके बाद एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। क्लियर? तो अब आपको मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। कौन कौन? एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये 3 पार्ट का नाम लिख रहे हैं। एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अच्छा, एलिमेंट्स कितने तरह के बता दो, हाउ मेनी टाइप्स? 3 तरह के होते हैं एलिमेंट्स भी, मेटल है, नॉन मेटल है एंड मेटलॉइड्स है। यही 3 तरह का एलिमेंट है ना। मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स है एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स कितने तरह के? 2 तरह के, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या? देखो, किसी भी मिक्सचर में ये 3 टर्म होता है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है एंड सॉल्यूशन।
ज्यादा मात्रा में किसी मिक्सचर में जो भी रहेगा अधिक मात्रा में तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट है। कम मात्रा में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर। आप जैसे मान लो सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट मीडियम में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल प्लेसेस में, यानी कंपोजिशन इक्वल एकदम है, हर जगह समान रूप से मिला हुआ है, तो उसे वो कहेंगे है होमोजेनस मिक्सचर है। एग्जांपल बता दो, चीनी का घोल हो गया, नमक का घोल हो गया, ये सब सारे क्या बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर। अगर अल्कोहल एंड वाटर मिला दे, शराब और पानी, तो क्या बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर। अगर मेटल का एलॉयज है, मान लो दो या दो से ज्यादा मेटल मिला के बना है एलॉयज, ब्रॉन्ज है, मान लो ब्रॉन्ज, कहां सा ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन मिला के बनता है, ब्रास हो गया पीतल, वो आपको कॉपर एंड जिंक मिला के बनता है, तो मेटल का जो एलॉयज है वो भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। क्लियर है। हेटरोजेनस मिक्सचर में जैसे मान लो एयर है, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, हवा में कई गैस है, लेकिन एयर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर या हेटरोजेनस, हेटरोजेनस है। कहीं पर मान लो एयर का, अच्छा हवा की क्वालिटी सभी जगह अलग अलग है कि नहीं, दिल्ली में हवा काफी प्रदूषण है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी पॉल्यूटेड वाला पार्टिकल दिल्ली का हवा में बहुत ज्यादा है। आप गांव पे विलेज में चले जाएंगे, वहां पे एयर आपको क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। तो अगर मान लो पॉल्यूटेड वाला पार्टिकल कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो हेटरोजेनस मिक्सचर हुआ। हुआ क्लियर। कोल्ड ड्रिंक्स हमारा मिक्सचर है कि नहीं, कौन सा, होमोजेनस या हेटरोजेनस, कोल्ड ड्रिंक्स। सुनो, अगर मिक्सचर में मान लो जो भी पार्टिकल्स मिला हुआ है, अगर सपोज करो कि वो आफ्टर सम टाइम अगर मान लो एकदम उसको अच्छी तरह से एकदम आपको रख दे कहीं पर भी, तो कुछ समय के बाद मान लो उसके पार्टिकल अगर मान लो सेटल डाउन होता है नीचे, तो वो आपका हेटरोजेनस मिक्सचर है। तो कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, ये सब हेटरोजेनस मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक्स को आप बताइए, आप थोड़ी जगह देर में आपको जैसे ठंडी जगह में आप रख दो, फ्रीजर में रख दो, तो आप ये बताओ कभी देखना कि कोल्ड ड्रिंक्स में नीचे थोड़ा सा आपको बैठा हुआ आपको मिलेगा कि नहीं पार्टिकल, तो वो हेटरोजेनस है, याद रखिएगा। हुआ क्लियर। तो अब ये हेटरोजेनस मिक्सचर भी, ये भी दो टाइप्स का, कौन कौन मालूम है, जैसे होमोजेनस ये सॉल्यूशन हो गया, अगर चीनी पानी और ये नमक मिला दें एक साथ, क्यों ना, चीनी पानी सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर, ठीक है, नमक का घोल, चीनी का घोल, ये सब आपका बोलो होमोजेनस बनेगा, तीनों एक साथ मिला दें, हाँ ठीक है, सॉल्ट मिला दो आपको, सॉल्ट मिला दो, शुगर मिला दो, पानी में आपको डाल दो और नींबू का रस भी डाल दो, साइट्रिक एसिड भी डाल दो, तो होमोजेनस ही बनेगा वो। देखो ये हेटरोजेनस मिक्सचर भी दो तरह का, एक होता है कोलाइड और एक होता है सस्पेंशन। कोलाइड का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट वाला पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल, काफी छोटा है, वेरी स्मॉल का मतलब आपको देखो कोलाइड में आपको पार्टिकल का साइज ये रहेगा 10^-9 मीटर से लेकर के 10^-7 मीटर, इतना छोटा अगर पार्टिकल है। और अगर इस होल से, इस सॉल्यूशन से टिंडल इफेक्ट हो जाता है, टिंडल इफेक्ट समझते हैं, यस, लाइट का स्कैटरिंग हो जाएगा उससे, यानी आप उस होल को कांच के ग्लास में लेंगे, टॉर्च जलाएंगे अंधेरे कमरे में, सारा पार्टिकल चमकता हुआ नजर आएगा, तो वो टिंडल इफेक्ट है, लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, तो टिंडल इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो कोलाइड है वो। और कोलाइड में पार्टिकल जो होगा मिक्स नहीं होगा, ऑनली क्या होगा, डिस्पर्स होगा, यानी छितराए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उसको ट्रोली मिक्स नहीं बोलते, वही कोलाइड है। अगर मान लो पार्टिकल का साइज इससे बड़ा है और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, और आफ्टर सम टाइम पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी नीचे बैठ जाएगा पार्टिकल, देन इट इज नॉन एज सस्पेंशन। जैसे मान लो आटे का घोल है, मिट्टी का घोल है, सॉइल सॉल्यूशन, ये सब क्या बनेगा,
सस्पेंशन है वो, लेकिन हमारा ब्लड बता दो मिक्सचर है कि नहीं? ब्लड हमारा मिक्सचर है कौन सा, होमोजेनस के हेटरोजेनस? हेटरोजेनस, यस। तो ब्लड हमारा हेटरोजेनस मिक्सचर में कोलाइड है कि सस्पेंशन है? ब्लड दोनों है, यही तो एक्सेप्शन में आता है क्वेश्चन। ब्लड कोलाइड भी है यानी टिंडल इफेक्ट शो भी करेगा, और आपको कोलाइड ये सस्पेंशन भी है, टिंडल इफेक्ट को नहीं भी करेगा। अगर ब्लड से मान लो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब प्लेटलेट्स वगैरह निकाल दो तो टिंडल इफेक्ट आपको शो करेगा, लेकिन आपको अगर मान लो सपोज करो कि सारे उसमें है आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो वो सस्पेंशन भी है। होल्डिंग हेटरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, हेटरोजेनस मिक्सचर में आपसे पूछेगा कोलाइड है कि सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन हुआ। क्लियर, ये बताइए पहले, अभी एक एक करके सारा हम करवाएंगे, सभी को क्लियर है ये? इसको पहले आप डिवीजन जो किए हैं ये कर लो सारे। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल समझ गए? आगे बढ़े, जरा सा ये देखो तो शुगर हो गया, ये एयर है, मिल्क है, इसमें बता दो हमें मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इज ए कंपाउंड, इसमें कंपाउंड कौन है? ये क्वेश्चन इस बार सीडीएस में आया। मिल्क का फॉर्मूला मालूम है, केमिकल फॉर्मूला मालूम है, इसमें से केमिकल फॉर्मूला किसका मालूम है? बोलो, इसमें से केमिकल फॉर्मूला किसी का मालूम है? शुगर का C6, शुगर का है वो, तो ग्लूकोज का तुम बोल रहे हो, शुगर का बताओ, चीनी का C12, हाँ ठीक है, अब ठीक, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11, और किसी का भी है क्या केमिकल फॉर्मूला? लास्ट का है, जरा बता दो हमें, बाकी सभी मिक्सचर वालों, एयर भी मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है, ग्लास भी मिक्सचर है, तो मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, शुगर ही आपका कंपाउंड है, केमिकल फॉर्मूला जिसका रहेगा वही कंपाउंड है। yes. यही क्वेश्चन था, आया समझ में? बता दो, क्लियर है सभी को? yes. तो आप जरा ध्यान से सुनना,
एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कोई डिफाइन कर सकते हैं? एनीवन, व्हाट इज एलिमेंट? इसका डेफिनेशन क्या होगा एलिमेंट का? बोलो। एलिमेंट का डेफिनेशन हम पूछ रहे हैं, पार्टिकल नहीं पूछ रहे। ध्यान से सुनना, एलिमेंट इज द प्योर, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर का, पदार्थ का शुद्ध रूप है ये। मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम का मिलकर बनता है ये, सेम टाइप्स ऑफ एटम से। विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू सिंपलर फॉर्म, यानी इसको और सिंपल में अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको देखते हैं, ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, ये गोल्ड है, ये ओजोन गैस है, ये सब एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने एटम से मिलकर बनता है? टू एटम्स। हाइड्रोजन गैस कैल्शियम वन एटम, सोडियम वन एटम, गोल्ड आपका वन एटम, ऑक्सीजन ये ओजोन गैस थ्री आपको एटम से मिलकर बना है, सेम टाइप ऑफ एटम से। अगर मान लो सपोज करो फास्फोरस है, फास्फोरस का कितने एटम से मिलकर बनता है वन मॉलिक्यूल? नहीं, P2 मान लो ऑप्शन दिया है, P2 है, P4 है, P5 है, P6 है, कौन सा होगा? P5 भी होता है, P4 भी होता है। जैसे मैच बॉक्स का स्टिक जो लाल वाला फास्फोरस है ना, रेड फास्फोरस, वो P5 है, ठीक है? तो इसका एक्चुअली में P4। सल्फर का बता दो, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम? हाँ कितने? हाउ मेनी? अभी तो बोलिए, दोनों ऑक्सीजन को अलग अलग कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं। हाइड्रोजन गैस का H2 लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब एलिमेंट का डेफिनेशन समझ में आया। Yes, और एलिमेंट को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने की शुरुआत कौन से साइंटिस्ट से, किसने की थी? ये सभी को पता है कि ये एलिमेंट को जो सिंबल के रूप में दर्शाते हैं तो उसका जो लैटिन नाम है उसी के आधार पर, लैटिन नाम के आधार पर ना। Yes, जैसे मान लो सोडियम का Na, तो सोडियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है? नेट्रियम है। गोल्ड का अगर मान लो Au लिखते हैं तो गोल्ड का लैटिन नेम क्या है? ऑरम। ऑरम बोलते हैं सोना को, गोल्ड को, सभी लैटिन नाम के आधार पर ही हुआ। क्लियर? तो जितने भी एटम रहेंगे किसी भी एलिमेंट में, यानी उसका मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी बता दो, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा ऑक्सीजन का? 2। इसका कितना होगा? 2। इसका कैल्शियम का 1, सोडियम का 1, गोल्ड का कितना हो गया 1, ओजोन का 3, फास्फोरस का 4, सल्फर का 8। और एलिमेंट को सिंबल के रूप में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो शुरुआत हुआ, वो आपको साइंटिस्ट का नाम था बर्जिलियस। इन्होंने शुरुआत की सिंबल के रूप में दर्शाने का। वो क्लियर? तो पहले एलिमेंट का डेफिनेशन लिखो। This is the pure form of matter. Pure form of matter made of
same types of atoms. Made of same types of atoms. Which cannot be divided. Which cannot be divided into simpler form. Which cannot be divided into simpler form. Elements are represented with their symbol. Elements are represented with their symbol by Berzelius. यहां पे लिखे है बोर्ड में, देखिए स्पेलिंग, by Berzelius. और एग्जांपल्स आपको, ये सारा एग्जांपल है, ये लिख लो एलिमेंट्स का एग्जांपल. एलिमेंट इज कवर टिल नाउ, अभी तक कितने एलिमेंट इज कवर हुए? 118, 118, 118 में से नेचुरल कितना है, नेचर में कितना पाया गया? नेचुरल है 94 और बाकी जो 24 वो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में तैयार हुआ. क्लियर हुआ? जितना एलिमेंट खोजा गया एटॉमिक नंबर वही है ना. जैसे टोटल 118 एलिमेंट अभी है, तो 118 जो लास्ट वाला आपसे पूछेगा जो एटॉमिक नंबर भी वही है सर. बाकी सब आपको जैसे लेबोरेटरी में तैयार हुआ ना, वो जैसे लिख लो इसको. 24 एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल, 94 नेचुरल है. ये इस बार ये भी क्वेश्चन सीडीएस में आया है. आपका एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम बताते जाएंगे. ये 94 आपका नेचुरल हो गया और 24 आर्टिफिशियल. कुछ आपको मैं एलिमेंट से रिलेटेड आपको कुछ फैक्चुअल आपको जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए. जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया कि अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट का मतलब अर्थ का पहला लेयर, यानी अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मेटल नहीं पूछ रहे, मेटल पूछेगा तब तो एल्युमिनियम हो जाएगा सबसे अधिक मात्रा में. एल्युमिनियम के बाद आयरन. मैंने पूछा कि एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है तब आयरन. मैंने पूछा कि कौन सा एलिमेंट
अर्थ क्रस्ट में पहला लेयर में सबसे अधिक मात्रा में एलिमेंट ऑक्सीजन है, 46% ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में पहला लेयर में। आया समझ में? लिख लो इसको, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ये 46% और अगर मेटल में पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मेटल है तब तो एल्युमिनियम। अमाउंट मेटल हो गया आपका, अमाउंट मेटल एट एल्युमिनियम अबाउट 7%। एटमॉस्फेयर में बता दो, एटमॉस्फेयर में सबसे मतलब अधिक क्वांटिटी में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद सेकंड में ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद चौथे नंबर में हाइड्रोजन, तीसरे नंबर में तुमने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तीसरे नंबर में आपको बता देते हैं आर्गन, आर्गन के बाद चौथे नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिख लो परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवा रहे हैं, घटते क्रम में, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर नाइट्रोजन हो गया 78%, देन इसके बाद आपको ऑक्सीजन 21%, देन इसके बाद लिखिएगा ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% और इसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम, इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी आपको सबसे ज्यादा है, डेंसिटी लिख रहे हैं देखो 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लाइटेस्ट मेटल सबसे हल्का वाला कौन सा? लाइटेस्ट पूछ रहे हैं, सबसे हल्का मेटल लिथियम है, लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। व्हिच हैज मिनिमम डेंसिटी, जिसका डेंसिटी भी सबसे कम है, डेंसिटी लिख दिए हैं 0.0, वो जो मोबाइल की बैटरी वगैरह जो बनती है ना वही लिथियम उसी से बनती है। हाँ सबसे भारी है ना, सबसे ज्यादा। हार्डेस्ट मेटल कौन सा? हार्डेस्ट हार्डेस्ट मेटल सबसे हार्ड वाला प्लैटिनम है, डायमंड तो मेटल है ही नहीं, वो कार्बन कैलोट्रॉप है, नॉन मेटल है। डायमंड सभी में सबसे हार्ड है, मेटल में सबसे हार्ड प्लैटिनम।
हार्डेस्ट मेटल हो गया प्लैटिनम। और सॉफ्टेस्ट मेटल, सबसे सॉफ्ट वाला मुलायम वाला सोडियम। यस सॉफ्टेस्ट मेटल इज सोडियम। मेटल का जैसे मान लो या एलिमेंट्स का कभी कभी रिएक्टिविटी सीरीज आपको करना है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है सबसे कम कौन है, यानी पूरा अगर मान लो आप याद कर सकते हैं तो कभी क्या होता है ना कि 20 से 4 उठा लेगा, 4 ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछ देगा इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है या सबसे कम कौन सा, ऐसे करेंगे। खाली आप सबसे ज्यादा वाला सबसे कम वाला करेंगे उससे नहीं काम चलेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, ये सॉरी पोटासियम, और सबसे कम होता है प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम के पहले फिर आपका गोल्ड आ जाता है। तो मैं आपको पूरा लिखवा देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लिख लो आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तो पोटासियम लिख लीजिए, पोटासियम के बाद बताइए सोडियम। ठीक है, और सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद ठीक है मैग्नीशियम, उसके बाद बता दो एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद ठीक है लेकिन हमें एलिमेंट का लिखवा रहे हैं, उसमें मेटल और मेटल सब आ जाएगा। तो एल्युमिनियम के बाद कार्बन, और तब लिखना जिंक। सबसे पहले पोटासियम, फिर आपका सोडियम हो गया, सोडियम के बाद कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर कार्बन है, फिर जिंक है, जिंक के बाद आयरन हो गया, आयरन के बाद टिन हो गया Sn, इसके बाद लेड हो गया Pb, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड है, एंड लास्ट प्लैटिनम। ये इसमें नॉन मेटल देख लो, आपको सिर्फ नॉन मेटल में आपको दो ही जगह है, एक ये वाला कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन बस। अच्छा गैस में बता दो आपको, गैस में सबसे मतलब भारी गैस जो है, हैवीएस्ट गैस एटमॉस्फेयर में भी है, हवा में भी है, हैवीएस्ट गैस कौन सा? रेडॉन है। हैवीएस्ट गैस इज रेडॉन, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हैवीएस्ट गैस इज रेडॉन, which is also present in the atmosphere. And lightest gas कौन सा? सबसे हल्का वाला हाइड्रोजन है कि हीलियम है? देखो तो यहाँ ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है एटॉमिक, और हीलियम का 2 होता है, 4 होता है। तो आप बताओ आपको सबसे हल्का गैस कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। अगर क्वेश्चन आया कि मतलब हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस बट हीलियम गैस इज फिल्ड इन द
टायर ऑफ एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज के एरोप्लेन के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है। क्यों? हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते? प्रेशराइज नहीं, रिएक्टिव है ना, हवा में रिएक्शन कर जाएगा तुरंत ना ऑक्सीजन के साथ में। और अगर मान लो हाइड्रोजन गैस अगर मान लो रिएक्शन कर गया ऑक्सीजन के साथ में हवा के, तो जलने लगेगा, आग लग जाएगी। और हाइड्रोजन गैस जलेगा तो क्या बन जाएगा भाई? अगर हाइड्रोजन गैस जलने लगा, जल गया तो क्या बनेगा? देखो यहां, ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यस, ये बैलेंस कर दो, टू यहां कर दो, यहां टू कर दो, हो गया बैलेंस, पानी बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ में ना कोई जलेगा, बिना ऑक्सीजन का तो कुछ जलेगा नहीं, और हाइड्रोजन गैस जब भी जलेगा तो पानी बन जाएगा। और इसीलिए आपको ये वाला गैस, आपको समझिए कि ना तो आपका सिलेंडर में भी इस्तेमाल ऑक्सीजन रहता है, या मान लो डाइवर्स है समुद्र में, गोताखोर जो जाते हैं अपने पीछे में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के, उसमें भी वही है ऑक्सीजन हीलियम गैस का मिक्सचर होता है वो। क्लियर हुआ? तो लाइटेस्ट गैस हो गया हाइड्रोजन, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, बट इट इज हाईली रिएक्टिव इन द एयर, बट इट इज हाईली रिएक्टिव इन द एयर। पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं वो कौन सा आगे आते हैं? पहाड़ पे चढ़ते हैं वो गैस कौन सा लेके आते हैं? वही ऑक्सीजन हीलियम दोनों मिक्सचर होता है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है उसमें? किसकी मात्रा ज्यादा होती है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। खाली ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं ना, खाली ऑक्सीजन लेंगे ना तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई ना तो ब्लड का कलर हो जाएगा नीला, मालूम है ना, ब्लड का कलर ही चेंज हो जाएगा, तब तो वो समझिए डेथ भी हो सकता है। वह क्लियर? ये देख, और ये तो क्लियर है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन द एयर देन वाटर इज फॉर्म्ड, यही रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस आपको, व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन द एयर देन वाटर इज फॉर्म्ड, यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। तो आज मैंने यहां तक बताया है, अभी एलिमेंट्स में भी और कुछ बताएंगे पॉइंट्स आपको, थोड़ा सा फैक्ट वाला जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और तब फिर आपको कंपाउंड्स और मिक्सचर ये सब में आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो आप इस तरीके पढ़िएगा ना, अब मैं एकदम बताता हूँ, श्योर आपका, पहले ही मैंने बोला है पहली क्लास में भी, आपका सारा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा समझिए यहाँ से जो आपको बुक मिला है वो, और कॉपी पढ़िएगा ना, सारा क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाता है, ठीक है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वहां को पता नहीं, वो परमिशन मांग रहा है तो